So welcome back to all of you. Last lecture में हम लोग discuss कर रहे थे some methods for preparation of alkanes. जिनमें से आपने अभी तक methods पढ़े थे, first था by hydrogenation of unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes. दूसरा method आपने पढ़ा था from alkyl halides, और आपने देखा था alkyl halides can also be converted to alkanes by number of ways. थर्ड मेथड आपने देखा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू एल्केन्स बाय डीकार्बोक्सिलेशन, और वो डीकार्बोक्सिलेशन दो तरह का था. दैट वाज आइदर केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, और इट वाज द इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मैथड. देन अनदर मैथड दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स इज बाय रिडक्शन ऑफ of aldehydes ketones carboxylic acids and alcohols. इन सभी कंपाउंड को हम रिड्यूस करा के कन्वर्ट कर सकते थे टू करस्पॉन्डिंग एल्केन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ द टाइप आर सी एच ओ. वेन इट इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, देन द प्रोडक्ट इज करस्पॉन्डिंग एल्केन. जो उसका सी एच ओ ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है टू सी एच थ्री ग्रुप. इट इज, यू कैन से, अ काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. एंड अनदर इज, इफ यू टेक द केस ऑफ कीटोन, इफ यू हैव अ कीटोन ऑफ द जनरल टाइप आर सी ओ आर, वेन इट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशन, देन द एल्केन विच इज रिड्यूस्ड हियर इज आर सी एच टू आर. दैट मीन्स अगेन जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है टू सी एच टू ग्रुप, मेथिलीन ग्रुप. एंड इट मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो. इफ इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द टाइप आर सी ओ ओ एच, इट इज ऑल्सो वेन रिड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, इट विल ऑल्सो गिव यू an alkane of the type RCH3, and if you have an alcohol of the type RCH2OH and when reduced again by red phosphorus and hydrogen iodide under similar condition, then also the alcohol is converted to corresponding alkane. So whether aldehyde, ketone, carboxylic acid or alcohols, they all can be reduced using red phosphorus and hydrogen iodide to give you corresponding alkane, right? इसी केस में जब हम इनके रिडक्शन की बात करते हैं, we have two very important name reactions जो आप प्लस टू में भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ यहां भी आपको जानना जरूरी हो जाता है. वन ऑफ द नेम रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिडक्शन. तो इन क्लेमेंसन रिडक्शन, इट इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, मीन्स द कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनिल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl. सो द जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है टू सी एच टू ग्रुप, एंड योर एल्डिहाइड और कीटोन इज कन्वर्टेड टू करिस्पॉन्डिंग एल्केन. सपोज इट इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एथेनल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, देन द प्रोडक्ट इज इथेन, राइट? And if it is reduction of like any ketone like propanone, is propanone ka hum reduction karate in presence of again zinc and HCl, then again iska jo CO group hai wo reduce hoke convert ho jata hai to CH2 group, and your product is an alkane. So propanone is converted to propane. Theek hai? That is a method for reduction of
aldehydes and ketones. There is one more method which is used for specifically for the reduction of aldehydes and ketones. Then another method is known as Wolf Kischner reduction. So Wolf Kischner reduction is also reduction of carbonyl compounds. Carbonyl compounds means again aldehydes and ketones having carbonyl group. So in that case, carbonyl compound is treated with hydrazine. NH2, this compound is known as hydrazine. So that yahan se ye hydrogen or oxygen milkar, there is loss of water. और ये अब जो प्रोडक्ट बनते हैं ये क्या हो गया, दैट इज नोन एज हाइड्राजोल. एल्डिहाइड से मिला है तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन, और कीटोन से मिला है तो कीटोन हाइड्राजोन. एंड देन इट इज ट्रीटेड विद, इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दैट आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो कन्वर्ट हो जाता है टू करस्पॉन्डिंग एल्केन अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ nitrogen. So that is the method known as Wolf Kischner reduction. Clemmensen reduction and Wolf Kischner reduction, these are used exclusively for the reduction of aldehydes and ketones, not for carboxylic acids or alcohols. Clear? Then another method is by hydrolysis of beryllium and aluminium carbides. Hydrolysis of beryllium carbide and aluminium carbide. आपने देखा जैसे वुड्स रिएक्शन था, कोलबेज रिएक्शन था, ये रिएक्शन जो थे दे वर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन. इवन कोरे हाउस रिएक्शन कैन ऑल्सो नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन. तो ऐसे केस में ये जो रिएक्शंस हैं दीज आर एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ methane. For example, beryllium carbide when hydrolyzed with water, it gives you methane along with beryllium hydroxide, right? And if it is the hydrolysis of aluminium carbide, so aluminium carbide also undergoes hydrolysis with water, so that the product is methane and aluminium hydroxide. Clear? So these are some of the preparation methods that we can use for the preparation of alkanes. And now if we look at the physical properties of alkanes, so the earlier alkanes with very low molecular masses are gases. उसके बाद थोड़ा और high में जाएंगे तो they are liquids, and the very high alkanes are solid, insoluble solids. That's why commonly known as paraffins, right? Look at the boiling points of these alkanes. वैसे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर लो. क्यों लो है? बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि आपको पता है किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स किसके पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जितने हाई, बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ही ज्यादा, राइट?
यहाँ पर तो एल्केन्स में आपने देखा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो दे हैव वेरी वीक टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो. बट बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एल्केन्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, एल्केन्स का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और वैन डर वाल्स फोर्सेज विल इंक्रीज, राइट. तो जब आप इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, हेक्सेन ऑनवर्ड्स जाएंगे तो द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज. एंड फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो अगेन मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस और वीक होते जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप केस देखें, सपोज नॉर्मल पेंटेन normal pentane say it is the compound 1, you can take isopentane say it is compound 2 and you can take neopentane or 2,2-dimethylpropane it is compound 3. तो 1 से 2 और 2 से 3 जाने में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 इज मैक्सिमम देन 2 एंड लीस्ट इन केस ऑफ 3, राइट. अनदर प्रॉपर्टी विच यू कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ एल्केन्स इज देयर मेल्टिंग पॉइंट्स. तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज तो करते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन फर्स्ट 10 मेंबर्स में हमें कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हैं एंड दैट इज नोन एज ऑल्टरनेशन इफेक्ट. तो आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स increase with increase in number of carbon atoms, but show irregular trend in first 10 members and this irregular effect is known as alternation effect. तो ये जो irregularity मिलती है ये क्या है, ऐसा देखा जाता है कि alkanes में first 10 members में the alkane with even number of carbon atom has higher boiling melting point than the alkane with higher number of carbon at odd number of carbon atoms. So you can say alkane with even number of carbon atom has high melting point than alkane with odd number of carbon atom. For example, अगर आप compare करें the melting point of propane
butane and pentane. तो आप देखेंगे कि प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा है और होना भी चाहिए था क्योंकि ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं. बट एट द सेम टाइम ब्यूटेन ऑल्सो हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन पेंटेन. रीजन, क्योंकि यहाँ जो कार्बन एटम्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग चेन. तो व्हेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4 देन द टू बल्की ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड. और ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं एंड कॉम्पैक्ट पैकिंग प्रोवाइड्स देम हाई मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन व्हेन देयर इज ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 5 देन द टू बल्की ग्रुप्स टू मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड. और ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स की कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं हो पाती. और अगर मॉलिक्यूल की कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं हो पाती तो ऑफकोर्स देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो. राइट, बट रिमेम्बर ये अल्टरनेशन इफेक्ट हमें मिलता है ओनली इन फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ द एल्केन. राइट, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दीज एल्केन्स इज अबाउट देयर सॉलिबिलिटी. तो जैसे अभी हमने आपसे कहा कि दे आर नॉन पोलर, एल्केन्स आर नॉन पोलर and because of non-polar they are water insoluble. ये water में dissolve नहीं होते लेकिन benzene, carbon tetrachloride ऐसे organic compounds में, ऐसे organic solvents जो कि non-polar solvents हैं उनमें ये solubility show करते हैं. right, so that is all about some of the important physical properties of alkanes. next lecture में we will discuss the chemical properties of alkanes. goodbye till then.